हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है आपके टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, राइट, जो कि आपका अपलोड कर दिया गया है। चाहे आप सेमेस्टर वेस्ट प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या फिर आप ईयरली वेस्ट प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, तो इसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ज्यादा होगा, इसलिए वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि 2021-22 और 2020-21 दोनों का ही क्वेश्चन अपलोड किया गया। ऐसे में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन पेपर को को बनाना है, और आपका असाइनमेंट में मार्क्स नहीं आता है अगर आप गलत क्वेश्चन बना लेते हो तो। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इस चैनल का मेंबरशिप ऑन हो चुका है। ये ज्वाइन बटन आप देख पा रहे होंगे, तो हमसे डायरेक्टली कनेक्ट होने के लिए आप ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इससे आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी आपको परेशानी हो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाएगा, राइट, तो जरूर हमसे ज्वाइन हो जाइए अगर आप हमारा हेल्प करना चाहते हैं तो। ओके, एंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हैंड रिटन सॉल्व असाइनमेंट आपका फ्री में मिल जाता है, और लेटेस्ट अपडेट या फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज और टर्म इन एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपके टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर के लिए क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट का अपलोड कर दिया गया है। कुछ रीजनल सेंटर 15 ऑफ सितंबर के बाद असाइनमेंट सबमिशन लेना स्टार्ट कर देंगे, या फिर कुछ रीजनल सेंटर अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। ओके, और बाद में आपका डेट भी बहुत एक्सटेंड किया जाता है, बट आपको क्वेश्चन पेपर तो पहले से ही सॉल्व करना होगा। तो हर एक असाइनमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, अलग अलग प्रोग्राम के ऊपर, कि किन स्टूडेंट को कौन सा क्वेश्चन पेपर बनाना है, क्योंकि 2020-21 के साथ साथ 2021-22 का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया गया। ऐसे में स्टूडेंट को कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी जो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट है, उनको 2021 वाला क्वेश्चन पेपर बनाना है। 2021-22 वाला उन स्टूडेंट को बनाना है जो जुलाई 2021 में फ्रेश एडमिशन लिए हैं, या फिर वो 2022 में अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे, उनके लिए बनाया गया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मास्टर डिग्री पे। चाहे वो मास्टर डिग्री के इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, या फिर एमए हिस्ट्री के हो, या फिर एमए पॉलिटिकल साइंस को हो, या फिर मैनेजमेंट प्रोग्राम के हो, या फिर एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के हो, तो सभी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एमए इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के लिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं जुलाई 2021 और जनवरी 2022 मींस 2021 और 22 का भी अपलोड कर दिया गया क्वेश्चन पेपर, बट ये आपको नहीं बनाना है, आपको ये वाला बनाना है जुलाई 2020 और जनवरी 2021 जो लिखा हुआ है, ये आपको बनाना है क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आप यहां पे देख पाएंगे वैलिडिटी, ये वैलिड है जुलाई 2020 के लिए और जनवरी 2021 के लिए। मींस जो स्टूडेंट दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे, वो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप वैलिडिटी भी देख पा रहे होंगे, 2021 फॉर जनवरी 2021 सेशन के लिए सितंबर 30 लिखा हुआ है, बट ये क्वेश्चन पेपर पहले ही अपलोड कर दिया गया था, इसलिए दिया गया है। आप बाद में भी कर सकते हो, डेट तो बाद में भी एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और भी मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है, जैसे कि आपका यहाँ पे एमए हिस्ट्री है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 2021-22 का भी अपलोड कर दिया गया है, और यहाँ पे 2020-21 है, बट आपको बनाना 2020-21 वाला है। ओके, कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूज होकर गलती मत कीजिएगा। ठीक है, और भी प्रोग्राम का आप देखेंगे, जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, तो यहाँ पे भी आपका 2021-22 का कर दिया गया है अपलोड क्वेश्चन पेपर, और 2020-21 का भी कर दिया है, बट दिसंबर में जो स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करेंगे उनको 2020-21 वाला बनाना है। ये बनाने का गलती आप मत कीजिएगा, ये उनके लिए है जिन्होंने जुलाई 2021 में फ्रेश एडमिशन लिया है, या फिर वो नेक्स्ट ईयर 2022 में अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे, उनके लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखेंगे एमए जीडी के लिए, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज के लिए, तो यहाँ पे भी 21-22 का अपलोड कर दिया गया। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग सभी प्रोग्राम के ऊपर अभी बात करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे एमकॉम हो गया, तो एमकॉम के ऊपर देखेंगे तो आप यहाँ पे 2020-21 का ही देख पाएंगे, 2022 का आपका यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया, तो यहाँ पे तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा, जहाँ पे 22 का कर दिया गया वहाँ पे कंफ्यूजन है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं एमसीए वाले स्टूडेंट के लिए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि इनका न्यू सिलेबस भी है और ओल्ड सिलेबस भी है। तो सबसे पहले ओल्ड सिलेबस वाले का आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं किया गया है। इनका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम होता है, 6-6 मंथ पर इनका असाइनमेंट न्यू आता है। तो अभी स्टूडेंट के लिए, न्यू स्टूडेंट के लिए 2022 वाला अभी यहाँ, तो एमसीए प्रोग्राम के ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर अभी अपलोड नहीं किया गया है, जल्द ही कर दिया जाएगा, जैसे ही किया जाएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगी आपको। ओके, और अब देख लेते हैं एमसीए न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है, क्योंकि आप यहाँ पे वैलिडिटी देख सकते हैं जनवरी 2021 और जुलाई 2021, मींस ये तो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, तो दिसंबर में जो स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करेंगे उनके लिए ये वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इतना सारा असाइनमेंट है फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इन सभी का सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आपका अपलोड किया हुआ है यहाँ पे असाइनमेंट, और कुछ कोर्स कोड का नहीं भी किया गया है, तो आप लोग
कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आपका असाइनमेंट सॉल्व है, यहाँ पे आपको फ्री असाइनमेंट भी मिल जाता है, सॉल्व असाइनमेंट, राइट। तो आप लोगों को ये असाइनमेंट सॉल्व करना है, राइट। आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, डिले मत कीजिए, ओके। और ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट का अभी अपलोड नहीं किया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बीए बीकॉम बीएससी के ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे बीए पे देखिएगा तो बीए वाले स्टूडेंट को काफी ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पे सेशन 2021-22 का भी अपलोड कर दिया गया क्वेश्चन पेपर, और नीचे में आप देखेंगे तो 2020-21 वाले का भी अपलोड तो पहले से ही किया जा चुका है, राइट। तो आप लोगों को ये बनाना है, ये 2021-22 वाला नहीं बनाना है, ये उन स्टूडेंट को बनाना है जो नेक्स्ट ईयर में अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे। चलिए मैं जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देती हूँ कि जैसे देखिए 2021-22 में किनको असाइनमेंट सबमिट करना है। तो जैसे ही ESO 1-3 के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका वैलिडिटी लिखा गया है July 2021 एंड January 2020 सेशन, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि 31 मार्च 2022 में ये असाइनमेंट सबमिट करना है। तो ये नेक्स्ट सेशन वाले स्टूडेंट के लिए, ये आपके लिए नहीं है, आपको असाइनमेंट सबमिट करना है 2020-21 वाला, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे किसी का देख लीजिए, जैसे कि बीसीपी, ये रहा आपका बीए फर्स्ट ईयर बीसीई 001 के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैलिडिटी देखेंगे तो July 2020 एंड January 2021 के लिए, ठीक है। तो ये असाइनमेंट आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो बीए वाले स्टूडेंट को 2020-21 वाला असाइनमेंट बनाना है, राइट। ये असाइनमेंट बनाने का गलती मत कीजिएगा 21-22 वाला, राइट। और चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं बीएससी स्टूडेंट वाले के लिए, ठीक है। तो बीएससी में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका सेशन नहीं, ओनली ईयर दिया रहता है, राइट। आप यहाँ पे देख पाएंगे ओनली ईयर साइड में आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश 2020 और यहाँ पे 2021 लिखा गया, ठीक है। ये पीएचई 1 के लिए है जो कि बीपीएचई 101 का भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए हर किसी में आपको 2021 ही नजर आएगा, 2022 कहीं पे नहीं नजर आएगा। तो यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप लोगों को यही असाइनमेंट सबमिट करना है जो December 2021 में सबमिट करेंगे, राइट। और फिजिक्स का मैक्सिमम असाइनमेंट हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाकर के एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फिजिक्स। आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इग्नू फिजिक्स सॉल्व असाइनमेंट 2021, ठीक है। तो आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ, राइट। और चलिए आप देख लेते हैं बीकॉम वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो बीकॉम वाले स्टूडेंट का आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह देखिए आप 2021 का ही आपको नजर आएगा, 2020 आपको कहीं पे नहीं दिखेगा। तो बीकॉम वाले स्टूडेंट को भी कोई परेशानी नहीं है, आपको यही असाइनमेंट सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया बीए बीकॉम बीएससी के ओल्ड सिलेबस के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि बीएससी के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको बनाना होगा 2020-21 वाला असाइनमेंट, और बीएससी जी के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको बनाना होगा 2021-22 वाला बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए जैसे कि आपको हम दिखा देते हैं बीएससी के स्टूडेंट का असाइनमेंट, पर आप यहाँ पे सेशन में देख पाएंगे 2020-21 का असाइनमेंट लिखा है, लेकिन बीएससी के स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट BEVAE 181 होता है जो कि आपको 2021-22 वाला बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे वैलिडिटी आपका लिखा गया है 1 जुलाई 2021 से लेकर के 30 जून 2022 तक, ठीक है। क्योंकि 2020-21 वाला जो असाइनमेंट था इस पेपर का वो 1 जून 2021 तक ही वैलिड था, तो आपको ये वाला असाइनमेंट इसके लिए सबमिट करना होगा, राइट। समझ में आ गया। तो बीएजी प्रोग्राम वाले स्टूडेंट का ओनली BEVAE 181 जो असाइनमेंट है वो बस उनको 2021-22 वाला है बनाना है, बाकी उनको 2020-21 वाला ही बनाना है, ठीक है। और रही बात अब बीएससी जी वाले स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे बीएससी जी वाले स्टूडेंट के लिए, तो इनको 2021-22 वाला बनाना है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए तो यहाँ पे वैलिडिटी लिखा गया है फ्रॉम 1 जुलाई 2021 से लेकर के 30 जून 2022 तक, ठीक है। क्योंकि आपको दिसंबर 2021 में असाइनमेंट सबमिट करना है, इसलिए आपको ये वाला असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ओल्ड वाला 2020-21 वाला उसका वैलिडिटी 30 जून 2021 तक ही था, ठीक है। तो अब आपको ये वाला असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो बीएजी वाले स्टूडेंट को 2020-21 वाला असाइनमेंट बनाना है ओनली BEVAE 181 वाला असाइनमेंट छोड़ करके, और बीएससी जी स्टूडेंट को 2021-22 वाला असाइनमेंट बनाना है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं बीकॉम जी प्रोग्राम वाले स्टूडेंट का, तो इनको भी 2021-22 वाला प्रोग्राम का असाइनमेंट बनाना होगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जिसका प्रोग्राम कोड आपका है BCOC 132, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैलिडिटी देख पाइएगा तो यहाँ पे आपको लिखा है वैलिड फ्रॉम 1 जुलाई 2021 टू 30 जून 2022, ठीक है। मीन्स आपको ये वाला असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दोज स्टूडेंट हु आर अपीयरिंग इन दिसंबर 2020 टर्म इन एग्जामिनेशन दे हैव टू सबमिट लेटेस्ट बाय इन 15 ऑफ अक्टूबर 2021, ठीक है। मीन्स आपको ये असाइनमेंट सबमिट करना होगा, ठीक। और भी बीकॉम जी के प्रोग्राम के
के स्टूडेंट होंगे उनका क्वेश्चन पेपर जिनको 2020-21 वाला बनाना है उनका तो सब कुछ अपलोड है क्वेश्चन पेपर राइट, बट यहाँ पे 2021-22 में जिन स्टूडेंट को असाइनमेंट बनाना है वहाँ पे आप देख पाइएगा तो और भी क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं किया गया, खाली है यहाँ पे, तो जल्दी ही किया जाएगा राइट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हम लोग एक एक करके देखते आ रहे हैं। तो पीजी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एक असाइनमेंट मैं ओपन करके दिखाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख लेंगे इनका भी वैलिडिटी है जनवरी 2021 एंड जुलाई 2021 एडमिशन साइकिल के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाए दो स्टूडेंट हुआ इनरोल जनवरी 2021 इट इज वैलिड अप टू दिसंबर 2021, ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने जुलाई 2021 में अपना एडमिशन लिए होंगे देन वो जून 2022 में ये असाइनमेंट, यही असाइनमेंट को उनको भी सबमिट करना होगा, ठीक है। तो डिप्लोमा वाले प्रोग्राम वाले स्टूडेंट को भी यही असाइनमेंट अभी सबमिट करना है जो कि 2021 और 22 वाला है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम वाले स्टूडेंट का। इनका जो प्रोग्राम होता है वो तो 6 मंथ का ही होता है, तो आप उनको यही असाइनमेंट सबमिट करना होगा जो कि जनवरी और दिसंबर दोनों में यही असाइनमेंट को सबमिट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे वैलिडिटी में देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 2021 फॉर जनवरी, जो स्टूडेंट जनवरी सेशन के होंगे वो जून सेशन के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे, और जो स्टूडेंट जुलाई सेशन में होंगे वो दिसंबर सेशन के लिए अपना असाइनमेंट यही सेम असाइनमेंट को सबमिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका प्रोग्राम जो है वो 6 मंथ का ही होता है राइट। तो हम लोगों ने एक एक करके देख लिया सभी प्रोग्राम के लिए कि कौन से प्रोग्राम वाले स्टूडेंट को किस ईयर का असाइनमेंट सबमिट करना है। ओके, अगर किसी तरीके की इशू आती है देन आप लोग कमेंट जरूर कर लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड ज्वाइन जरूर हो जाइए हमसे, क्योंकि आप हमसे इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, किसी तरीके की आपको परेशानी हो देन वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो असाइनमेंट का आपको पीडीएफ भी चाहिए होगा देन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।